सो हे गेमर्स, वेलकम बैक टू एन अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ गेमिंग विद नवाब चैनल। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बात करी है बेस्ट मतलब बेस्ट एम बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो भाई ये ना काफी ज्यादा डाउट रहता है इस चीज के ऊपर कि कौन सी कैरेक्टर स्किल के साथ मतलब कौन सी ज्यादा अच्छा वर्क कर दिया। देखो सबको ना ये तो पता होता है कि हाँ भाई आलोक बढ़िया है, ये बढ़िया है, बट ना एक होता है कैरेक्टर स्किल मैच करना, मतलब कौन सी स्किल किस स्किल के साथ सबसे परफेक्ट वर्क करती है। तो आज वो आपके सारे काफी सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। एंड भाई सुनो, जो आलोक वाले नहीं है ना, आई नो कि आप लोगों के पास आलोक नहीं है, दिक्कत होती है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट बेस्ट तरीके बता दूंगा मैं, जिनसे आप आलोक वालों से भी इजीली लड़ सकते हो और यार जीत भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई उससे पहले ना यार, आप जो सपोर्ट दिखा रहे हो ना पिछले कुछ दिनों में यार, मतलब दिल भरा था, क्या कैड़ा वाला सपोर्ट आ रहा है यार आपकी तरफ से, तो उसके लिए थैंक यू सो मच है यार। वैसे थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है यार, कुछ भी नहीं है थैंक यू जो सपोर्ट आप कर रहे हो उसके आगे। एंड भाई आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, अपनी 2K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है कल, एंड भाई ऐसा ही चलता रहा तो अपनी 3K फैमिली भी जल्दी कंप्लीट होगी। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन पे ऑन चलाओ या MP बस क्लिक कर दो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड अगर वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक मारना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एटलीस्ट मेरे को पता तो चले हाँ भाई मैं क्या दिक्कत कर रहा हूँ या क्या गलती कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं आगे से उस प्रॉब्लम को सुधार सकूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भाई, भाई को सपोर्ट करो पूरे तरीके से। एंड चलते हैं अब अपनी वीडियो में एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो कैसे आप लोग गाइज, इस वीडियो में हमने चार कैटेगरीज डिसाइड की हैं, यानी कि रैंक रश, रैंक पुश और CS रश एंड CS लॉन्ग रेंज। तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इस वजह से आप अगर किसी भी टाइप के प्लेयर हो ना, मैटर नहीं करता कैसे भी प्लेयर हो, चाहे दूर से मारते हो या बिल्कुल क्लोज निकट आकर मारते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफी मजा आएगा, तो देखते रहना वीडियो को। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे मतलब स्टार्ट करेंगे रैंक रशर्स से। तो भाई क्योंकि रैंक में ना रश करने वाले बहुत प्लेयर होते हैं, डायरेक्ट ब्राजीलिया पीक क्लॉक टावर मिल, तो ये सारी जगहें बहुत फेवरेट होती है काफी बंदों की, और यहाँ ना भसड़ मचती है गंदे वाली भाई साहब, उतरते ही स्कोडों का मोर बना दिया जाता है। तो इस वजह से ना सबसे पहले हम बात करते हैं अपने रैंक रशर्स के बारे में। तो जो हमारे रैंक रशर्स होते हैं ना भाई, उनको देखो आलोक तो मेन है ही, आलोक को तो रखना ही आपको, लेकिन अगर आप रैंक रशर हो तो सबसे पहले आपको जो स्किल की जरूरत पड़ेगी वो है भाई म्यूए थाई, यानी कि जो है क्ला की स्किल। तो क्ला की स्किल इसलिए क्योंकि उतरते ही अगर आपको गन नहीं मिलती है ना, तो आप एक बंदे को क्ला से मार के इजीली अपना बाउंटी लूट सकते हो, और जिसमें आपके 90% चांस है आपको गन मिल जाएगी। एंड भाई जो सेकंड स्किल आती है ना आपकी, सेकंड स्किल आती है आपकी मेन कैली की, क्योंकि कैली इसलिए अगर आप स्कोर के बीच फंस जाते हो तो आप जल्दी से निकल के वहां से भाग सकते हो कैली लगा के, एंड फिर आलोक भी अपना वर्क करेगा और आप इजीली निकल सकते हो। एंड जो आपकी थर्ड स्किल आती है ना भाई, थर्ड स्किल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, जो की है एंटोनियो की। तो भाई ये क्या करेगा, आपको 25 एक्स्ट्रा HP दे देगा, तो अगर बाई चांस आप पे शूटिंग हो भी रही है ना, तो आपके पास काफी चांसेस रहेंगे बच के निकलने के, तो काफी बढ़िया रहेगा। सेकंड है रैंक पुशर्स। तो भाई रैंक पुशर हो आप, ऑब्वियस सी बात है कि किसी कोने पे ही उतरोगे मैप के, तो क्योंकि रैंक पुशर्स ब्राजीलिया वगैरह तो उतरते नहीं है, देन आप कोने पे उतरोगे तो आपको काफी ज्यादा जोन में रहना पड़ेगा, तो जोन में रहना पड़ेगा, इस वजह से आपको सबसे पहली स्किल जो लगानी है वो स्किल लगानी है आपको आयरन विल, यानी कि जो है फोर्ड की स्किल। तो भाई काफी ज्यादा काम की स्किल है ये, अगर आप जोन में भी फंस जाओगे ना, मतलब जोन बिल्कुल पकड़ भी लेगा ना आपको, तब भी कोई डैमेज खास आएगा नहीं। एंड भाई इसके बाद आयरन विल के बाद जो आपको दूसरी स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो दूसरी स्किल है आपकी ग्लूटनी, यानी कि मैक्सिम की स्किल। तो भाई ये आपकी मेडकिट फास्ट मारने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बाई चांस अगर आप सपोज जोन में फंस जाते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। एंड भाई ये स्किल तो आपकी कंफर्म है, ये एक ही स्किल होती है यहाँ पे जो है कैली की। आप रशर हो पुशर हो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदा फंस ही जाता है, एंड वहां से निकलने में एस्केप करने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी कैली, क्योंकि यार भागना भी आना चाहिए मारने के साथ साथ, क्योंकि कई बार स्क्वाड के बीच में फंस जाते हैं तो आपको निकलना भी आना चाहिए। तो अगर आप रैंक पुशर्स हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगी ये चारों स्किलें। तो भाई ये चारों स्किलें लगाते हो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अब चलते थर्ड पे जो कि है CS रशर। तो भाई जो रशर होता है ना क्लैश स्क्वाड में या फिर कस्टम्स वगैरह में आपका, तो वो ना आपके स्क्वाड की बैकबोन होता है, और अगर उसे तोड़ दिया ना सामने वाले बंदों ने तो मतलब आपका स्क्वाड खत्म सा ही हो गया है। तो उसके लिए देखो रशर के पास पहले कैली होनी जरूरी है, क्योंकि भाई उसे ना बीच बीच में जाके बंदों को मारना है हर साइड से, तो उसे भागना आना चाहिए। एंड भाई जो सेकंड स्किल आपकी होनी चाहिए ना रशर की, वो स्किल होनी चाहिए नटी मोमेंट। तो नटी मोमेंट स्किल आप जानते हो किसकी है, ये है जोसेफ की स्किल, ताकि अगर आपके रशर को उन्होंने पकड़ लिया है मतलब घेर लिया है एंड उसको एक दो गोली मार दिया तो भी वो इजीली निकल सके। तो नटी मोमेंट काफी ज्यादा बढ़िया स्किल है। एंड भाई मैं आपको
पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपके पास आलोक नहीं है तो आप जोसेफ ही यूज किया करो। एंड भाई जो थर्ड स्किल जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो डिपेंड करता है कि आप M10 प्लेयर हो या MP प्लेयर हो। अगर M10 प्लेयर हो तो कैरोलिन की एजिलिटी यूज करना। एंड भाई अगर आप MP40 प्लेयर हो यानी कि MP40 चलाते हो तो आपको यूज करनी है भाई निकिता कैरेक्टर। निकिता भी बहुत बढ़िया कैरेक्टर है जो कि आपकी MP40 को बहुत ही जल्दी रिलोड कर देगी। तो ऐसा है ना यार, आपको मान लो बंदों ने घेर लिया है तो एक बंदे को आप मारोगे तो आपको इजीली रिलोड करने में दिक्कत नहीं रहेगी। और फोर्थ हमारी लास्ट है CS लॉन्ग रेंज। तो भाई मोस्ट ऑफ सब स्क्वाड में एक लॉन्ग रेंज वाला बंदा होता है जो कि अपने शॉर्ट रेंज वाले बंदों को साथियों को कवर देता है भाई ऊपर से या फिर कहीं साइड में से। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको भाई लॉरा की स्किल शार्प शूटर, क्योंकि आप लॉन्ग रेंज से मारोगे तो वो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे देगी। एंड अगर आप स्कोप जो होता है आपका वो खोल के मारोगे ना तो भैया एक्यूरेसी बस पूछो ही ना, मतलब सारी ही गोलियां आपकी बंदे में लगेंगी। तो भाई इसलिए आपको लॉरा रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो सेकंड स्किल मैं आपको बताने वाला हूं भाई वो आपकी तो नहीं पर आपके पार्टनरों की बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो सेकंड स्किल है आपकी हैकर्स आई यानी कि मोको की स्किल। तो भाई ये स्किल ऐसी है कि आप जस्ट अगर एक बंदे को स्पॉट करके मार देते हो ना एक गोली भी तो आपके पूरे स्क्वाड को उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो इस वजह से जब वो रश कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा कि हाँ भाई वो बंदा वहां बैठा है या वहां खड़ा है। तो इसलिए काफी ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर स्किल है ये भी, तो काफी आपकी हेल्प करेगी। एंड भाई थर्ड स्किल आपको कैली ही लगाए रखनी है, क्योंकि बाय चांस ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई बंदा घूम के आप पे रश कर दे तो आपको भी निकलना है जल्दी से जल्दी। तो ये स्किल आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी और मैं तो कहता हूं भाई कैली तो आप हमेशा यूज ही करो। तो भाई आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कौन सी कैरेक्टर स्किल आपके लिए किस टाइम पे सुटेबल रहेगी और कैसे टाइप की आप प्लेयर हो तो कौन सी कैरेक्टर स्किल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो भाई यही हमारी वीडियो थी, इसी में मैं चाह रहा था कि आपको सब कुछ पता चल जाए। एंड भाई अब बात कर लेते हैं यार उन प्लेयरों के बारे में जिसके पास आलोक नहीं है। तो भाई जिन लोगों के भी पास आलोक नहीं है ना वो सिंपली एक काम करो A124 की स्किल लगा के एंड साथ में माइग्वेल यूज कर लो, क्योंकि A124 जो हमारी कैरेक्टर है वो काफी बार फ्री में मिल चुकी है, फ्री फायर में 2-3 बार, तो इसलिए वो तो सभी के पास मोस्टली है। तो A124 लगा के आप उसके साथ माइग्वेल यूज कर लो भाई, बहुत अच्छा काम देगी। तो करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, लाइक एम रखते हैं 125 लाइक्स का। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।